Kimi, कैसे कैसे यकीन करूं मैं दुश्मन? मैंने तुझे खून करते हुए देखा है, नहीं दारा, गोली चलाते हुए देखा है मैंने, नहीं दारा। क्यों क्यों तूने ऐसा मर? किसी का खून करना पाप है। अक्षय की माँ को मार के तूने बहुत बड़ा पाप किया है। हमें मानना चाहती थी। पहले बंदूक उन्होंने निकाली थी तो बंदूक पहले निकाली थी तो किसी का खून करते कि नहीं दादा मेरे गोली गोली तूने चलाई। देख अंबर, उस वक्त वहां सिर्फ तू, मैं और कामिनी आंटी थी और गोली सिर्फ एक चली। जो तेरी बंदूक से चली थी। अब चाहे तू जितना रो ले, जितना चिल्ला ले, सच यही है कि खून तूने किया है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरी माँ के साथ ऐसा कुछ होगा। मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है। सब कुछ हमारे हाथों में नहीं होता है अक्षत, जो पहले से तय होता है वो तो होकर रहता है। तुम अकेले नहीं हो अक्षत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कितना रोका था तुम्हें, बार बार समझाया कि दूर रहो उस लड़की से, वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है, लेकिन तुम नहीं माने। बेचारी आंटी, तुम्हें अंबर के चंगुल से बचाते बचाते खुद ही उसके हमले का शिकार हो। तो एक ही पल में हमसे सब कुछ छीन लिया। अक्षत आंटी ने उनका क्या बिगाड़ा था बोलो? आंटी ने तो उन्हें आसरा दिया, अपने सपने पूरे करने का मौका दिया, अपनी जिंदगी में जगह दी, और उन्होंने उन्होंने आंटी से ही उनकी जिंदगी छीन ली। क्यों अक्षत, क्यों? ये सवाल कभी पूछना तुम उन दोनों से। मैं चलती हूं, तुम प्लीज अपना ख्याल रखना। मैं आपसे क्या कहूं, मैं नहीं जानती अंकल, लेकिन आज मैंने अपनी मॉम को भी खो दिया।
बात हमेशा याद रखना अंकल, आपकी बेटी आपके साथ है। Excuse me. क्या आपसे मैं कुछ पूछ सकता हूं? Really sorry, आंटी जी की डेथ के लिए। डेथ नहीं, मर्डर। खून जो तुमने किया है अंबर, और अब तुम मुझे सॉरी कह रही हो? नहीं अक्षत, क्यों अंबर क्यों? ऐसा क्या कर दिया था मेरी माँ ने? हाँ मैं जानती हूँ कि वो शायद तुमसे नफरत करती थी, तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हें घर से निकाला। I know everything. लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ था ना अंबर, तुम्हारी खातिर मैं हमेशा उनसे लड़ता रहा। उनसे क्या कुछ नहीं कहा मैंने अंबर, just for you, damn it. तुमने उन्हें मार डाला। क्यों अंबर? Why? Why the hell did you do that? मैंने खून नहीं किया अक्षय, मेरा यकीन करो। Stop it! Just stop it, अंबर। मैंने आज ही अपनी मां की चिता को आग दी है। कम से कम अब तो झूठ मत बोलो तुम। लता आंटी कहती है कि धरा कभी झूठ नहीं भूलती। तुम बताओ धरा, क्या तुम्हें यकीन है इस पर?
क्या बात है? बहुत बुरा सपना देखा पापा। ऐसा लगा जैसे अंबर को कोई कुछ कर रहा है। नहीं बेटा, उसे कुछ नहीं हुआ। देख, तू फिक्र मत कर। जब शरीर बीमार होता है ना, तो ऐसे बुरे ख्याल आते हैं, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं होता बेटा। सुबह का सपना था बाबा, सुबह का सपना सच होता। नहीं बेटा, ये वहम है। बाबा, मेरा दिल कह रहा है सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ हुआ है मेरी अंबर को। बाबा, एक फोन करके पूछिए मेरी अंबर दरा ठीक है। एक फोन कीजिए ना प्लीज बाबा, एक फोन कीजिए ना। हाँ बेटा, मेरे बच्चे मैं फोन करूंगा, लेकिन इतनी सुबह नहीं, थोड़ी देर हो जाएगी ना, तो मैं फोन करूंगा। हाँ, मैं पता करूंगा कि अंबर दरा बिल्कुल ठीक है। हाँ, तू फिक्र मत कर। सोच, आज आ जा मेरा बस। सोच 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 आज मेरी अम्मा। हाँ, आज मेरे बच्चे। हाँ 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 हाँ, ये 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 सोच सोच। हाँ 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 हाँ, मैं मेरा शॉट डेड बाय कंजॉइंड सिस्टर्स। अंबर दरा, या केस मध्ये बेल नाही होणार, नो बेल। केस सीधा है, कामिनी मैरा का खून हुआ, खून अंबर ने किया। किसने देखा है उसे खून करते हुए? उसकी अपनी बहन ने। का निखोटो बोलो का, पिस्तौल पे अंबर के उंगलियों के निशान है। हाँ, पिस्तौल मैंने पकड़ी थी, लेकिन गोली मैंने नहीं चलाई थी। एसीपी साहब, गोली मैंने नहीं चलाई थी। वन मिनट। गोले भी कभी झूठ नहीं बोलती। ये गोली कामिनी के जिस्म से निकाली गई थी, और ये पिस्तौल जिस पर तुम्हारे उंगलियों के निशान है। इट्स क्लियर, सजा तो मिलकर ही रहेगी। अभी तक आपने पूरी तहकीकात भी नहीं की है, बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। मिल जाए। अदालत में होता क्या है, सवाल जवाब? आपके हर सवाल के जवाब मिल जाएंगे अदालत में। प्रताप जी, मैं आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहता हूं।
पिताजी की हालत बहुत नाजुक है। मैंने इतनी दवाइयां बदल बदल के देख ली, लेकिन किसी दवाई का असर ही नहीं हो रहा इन पर। डॉक्टर साहब, कुछ तो कीजिए मेरी लता को। अब जो कुछ भी कर सकते हैं वो आप ही कर सकते हैं। आप उन्हें खुश रखिएगा, किसी तरह का सदमा ना पूछे इसका ध्यान रखिएगा और दुआ कीजिए। मां के दिल ने सही समझा था बेटा, लेकिन मैं तुझे खो नहीं सकता, इसलिए मुझे सच तेरे से छिपाना ही होगा। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तुझे नहीं बता सकता कि तेरी अंबर धरा कितनी मुश्किल में। मुझे माफ बेटा, माफ कर दे। I'm sorry. मैं तुम लोगों की मदद नहीं कर पाया, लेकिन मैं क्या करता? सारे सबूत, सब कुछ अंबर के खिलाफ है, क्या करता मैं? अंबर, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? नहीं, मेरे लिए नहीं, लेकिन धरा के लिए, इसके लिए मेरी बेगुनाही साबित कर लो बस, यही चाहिए मुझे। मैं कोशिश करूंगा। वैसे भी यहाँ भूखों की कमी नहीं थी, अब एक के भाव में दो आ गई है, इन्हें भी खिलाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आयुध है कुणाल? हाँ कुणाल, मैं बाथरूम में हूँ, कुछ काम था। नहीं, मुझे तुझे ये स्क्रैच वाली सीडी देनी थी। अच्छा, वो सामने वाली टेबल पे रख दे। सामने वाली? ठीक है। मैंने सीडी रख दी है, प्रैक्टिस कर लेना, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, ओके, बाय बाय। We'll be right back.
तो उस रात वो आदमी टीके था जिसके पास वो गन थी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.